श्रीराम, मेरे सभी दोस्तों को, सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को, आज बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और यार क्या पता, बड़ी व्यस्तता थी, घर का काम चल रहा था, घर का काम फाइनली लगभग कंप्लीट हो गया है और आज एक बहुत बड़े इवेंट पे हम लोग आए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना के इसको कवर करें। तो आज हम लोग हैं मामा के यहाँ अपने, और यहाँ पे एक बहुत पुरानी रीत है, बहुत पुराना रिवाज है, बहुत पुराना एक ट्रेडिशन चला आ रहा है दुर्गा पूजा का। माता रानी की मूर्ति की हम लोग स्थापना करते हैं, लगभग 40 साल हो गए, और 40 साल से ऑलरेडी मतलब चल रहा है, और ये लगभग 41वां साल है, और हर साल यहाँ पे माता जी की मूर्ति रखी जाती है मामा के यहाँ। तो हम लोग यहीं पे आए हुए हैं, मेरे साथ में देखो सोनू भाई हैं, अभिषेक है, राहुल को आप जानते ही हो। तो अभी हम लोग आज माता जी का विसर्जन है, मतलब उनकी जो मूर्ति की जो हमने स्थापना करी थी 9 दिन 10 दिन हमने रखा था, आज हम विसर्जन करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी में अभी हम लोग ट्रैक्टर पे हैं, हम जा रहे हैं ट्रॉली लेने, ट्रॉली से, क्योंकि जो माता जी की मूर्ति है वो ट्रॉली पे जाती है हर साल, और फिर हम अकेले ही नहीं, हमारे आसपास के हर गाँव में ही होता है। तो बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आज ब्लॉग में आपको वही मैं दिखाऊँगा, आज बने रहो आप साथ में वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई सब ठीक है, मौज में। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है यार, दरअसल क्या थोड़ा सीजन इधर थोड़ा गांव के हाथ में गया ना, खुला खुला तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बैठी बैठी सी लग रही है। तो अब यही हमारा ट्रैक्टर है जिससे हम आए हैं, और ये रही वो ट्रॉली, इसको हम अभी इसके साथ जोड़ेंगे और फिर हम ले कर जाएंगे। अरे Yeah.
अब हम लोग निकल चुके हैं माता जी की सवारी को लेकर के, और हम जा रहे हैं गोमती नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोमती नदी पड़ती है हमारे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, और मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा, ये आप देख रहे हैं ये माता जी की मूर्ति है भाई। हम लोग अपना आपको जैसे दिखा भी, मूर्ति हमारी आ रही है, और सारे हम लोग इकट्ठा हो गए हैं भाई लोग अपने भंडारा खाने के लिए। इधर भंडारा चल रहा है, जैसे क्या होता है रास्ते में ना, जहाँ से रास्ता मतलब जहाँ से माता जी की मूर्ति जाती है, ये लोग बीच बीच में ना लोग सेवा भाव से भंडारा करते हैं। कहीं जैसे पूरी सब्जी चल रहा है, कहीं छोले चावल चल रहे हैं, तो उस तरह का सेवा भाव से एक भंडारा हर जगह रहता है। तब इधर से अब आपको जो है वो इस तरफ से आ रही है, बाकी एक दूसरा गाँव है उसकी मूर्ति इधर से आएगी इस वाले रास्ते से, ये जो है। उसके बाद में इधर हमें जाना है आगे, बहुत ही हैपनिंग सा मोमेंट बना हुआ है इस समय। ये आपको बहुत करीब से दिखाएंगे, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग कहना कि खाना वाना नहीं खा पाए, बहुत जल्दी में थे जब मर जाएंगे हम भीड़ में, तब आपको दिखाते हैं। Thank you.